नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 विश्व कप में रोहित शर्मा और विराट ना करें पारी का आगाज, मोहम्मद कैफ ने बताई है वजह। जी हां, T20 विश्व कप को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि T20 विश्व कप में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को पारी का आगाज नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते नजर आए थे और यह एक्सपेरिमेंट टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ था। इसके बाद से इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि क्या T20 विश्व कप में दोनों साथ में ही पारी का आगाज करेंगे। कैफ की माने तो यह रणनीति सही नहीं रहेगी, क्योंकि ओपनिंग पेयर के लिए लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। कैफ ने कहा कि शिखर धवन का रोहित के साथ पारी का आगाज करना सही रणनीति होगी। कैफ ने कहा कि श्रीलंका दौरे पर रन बनाकर शिखर धवन टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। कैफ ने कहा कि अगर राइट और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन क्रीज पर होता है तो बल्लेबाजों के छोर बदलते ही विरोधी कप्तान को फील्ड की सजावट बदलनी होती है और विरोधी गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी की दिशा में बदलाव करना होता है। बता दें, T20 वर्ल्ड कप इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा, जिसके लिए सभी टीमें अपनी प्लेइंग 11 बनाने में जुट गई हैं और ऐसे में भारतीय टीम भी अपनी प्लेइंग 11 जुटा रही है। लेकिन भारतीय टीम के सामने अलग अलग जगह को लेकर अलग अलग तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की तो जगह फिक्स है, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्लेयर पूरी तरह से अभी तक सेटल नहीं हो पाया है और ये तक नहीं पता चल पाया कि आखिर रोहित शर्मा का साथ कौन देगा। इसके लिए भारत के पास ओपनिंग के लिए 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है शिखर धवन, नंबर 2 पर है KL राहुल और नंबर 3 पर है विराट कोहली। तीनों ही प्लेयर ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों में हमने देखा KL राहुल की फॉर्म T20 में अच्छी नहीं रही थी, जिसकी वजह से विराट कोहली को ओपनिंग करना पड़ा था और विराट कोहली ने दमदार पारी खेली थी और इसी वजह से अब टीम इंडिया और विराट कोहली को जरूर इस बात के लिए संकट का सामना करना पड़ेगा कि आखिर किस प्लेयर को रोहित शर्मा के साथ T20 में ओपनिंग के लिए उतारा जाए। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।